बोरीवली पश्चिम चिंपोली की रहने वाली डॉक्टर मीरा सदानंद कामत को बाघई के बंद हिंदू स्मशान भूमि को चालू कराने के लिए बीएमसीआर माध्यम कार्यालय के परिसर में भूख हड़ताल पर बैठी। करीब एक साल से स्मशान भूमि बंद है, जिससे वहां के लोगों को समस्या हो रही है। बिल्डर को फायदा पहुंचाने के लिए हिंदू स्मशान भूमि को बंद कराया गया। इसमें पॉलिटिकल लोग भी शामिल है, जिनकी मिलीभगत से स्मशान भूमि को बंद कराया गया। अगर बाभई स्मशान भूमि को चालू नहीं किया गया तो यह भूख हड़ताल अनिश्चित काल तक आमरण अनशन किया जाएगा। हिंदू धर्म में 16 संस्कार होते हैं, जिसमें 16वां संस्कार अंतिम संस्कार कहते हैं। वो अधिकार बाभई के हिंदुओं से छीनने की कोशिश की जा रही है। ये ही नहीं, डॉक्टर मीरा कामत को बीएमसी परिसर में बैठने के लिए जगह भी नहीं दी गई। वह जमीन पर बैठकर भूख हड़ताल कर रही है। तो बाभई का चौबीय कुटुंब का एक ये स्मशान भूमि है, वर्षों से मुझे लगता है सैकड़ों वर्षों से ये चालू है। उन लोगों ने चार फायरबेड से 3 पब्लिक का है, एक उनका फैमिली का और उनका कास्ट का। तो वो चारों बेड वो उधर मरम्मत करने के लिए 2023 अक्टूबर में बंद किया था, ताला लगाया था और बाहर एक बोर्ड लगाया कि तो वो मरम्मत के लिए रिपेयरिंग के लिए बंद दे करके। जब ये बंद भी नहीं, ओपन ही नहीं होता है, उसका काम का हलचल भी नहीं बचता है, तभी जोगले फैमिली वाले ने और वजीरा का कोलीवाड़ा लोगों ने एक लेटर दिया बीएमसी को, कभी चालू करता है, जल्दी से करो करके, उसका आंसर ही नहीं है। मगर अचानक अक्टूबर में जून 29 को जब असेंबली इलेक्शन हो गया, तभी हमारा इधर का आमदार ने असेंबली में ये बताया गया पब्लिक का, उनके पास कंप्लेंट से वो शिफ्ट करने का आया करके। तो दूसरा दिन ही इसका सामना में एक न्यूज आया, माननीय पटनी साहब ने लिखा है, वो बिल्डर के लिए बंद किया है करके, बिल्डर का काम में करके। तो तभी हमको अचरज लगा, तभी लोग जरा जाग गए और बोले कि कैसा भी करके इसको बंद शिफ्ट करने के लिए छोड़ना नहीं चाहिए। तो मेरे पास भी ये कंप्लेंट आया, तो मैंने सोचा कोर्ट में जाएगा तो नहीं चलेगा, वो बरसों से लगेगा इसका रिजल्ट आने के लिए, और क्या करेगा, पॉलिटिकल पार्टी इंटरेस्टेड नहीं होगा। अगर बिल्डर के लिए बंद किया होगा, बिल्डर का काम के लिए होगा, तो बिल्डर उनको पैसा, आपको मालूम है सभी लोगों को क्या हालत हो जाएगा। तो बाद में मैंने सोचा भाई 78 ईयर्स ओल्ड है, मरेगा तो क्या हो जाएगा। तो एक कॉज के लिए मर सकती है, पब्लिक के लिए मर सकती है, तो इसके लिए मैंने बोला मैं डिक्लेयर करती हूँ मैं हंगर स्ट्राइक को बैठी। ये हंगर स्ट्राइक का वजह से हम लोगों को न्याय मिलेगा तो बहुत खुशी की बात है। इसके लिए मैंने बीएमसी को एक लेटर लिखा, 5 तारीख को लेटर लिखा। तो अगर 10 दिन के अंदर ये फंक्शनिंग चालू नहीं होगा तो मैं हंगर स्ट्राइक को उतरती हूँ। ऐसा ही 7 तारीख को मुझे मालूम पड़ा, एमएलए साहब ने इधर वो एरिया में जाकर वजीरा का स्मशान भूमि में भूमि पूजन किया। बताया गया कि उनका फंड से उनने काम चालू किया, मगर काम चालू किया ठीक है, मगर कभी कंप्लीट हो गया, कभी कम फंक्शनिंग हो गया। आप बता दीजिए बीएमसी का या गवर्नमेंट का कुछ भी काम कंप्लीट होता है क्या, कितना बरस लगेगा। हर एक काम देखिए, अब सभी काम अधूरा है, काम चालू करते हैं बंद करते हैं, उसके बाद में वापस बजट आता है, दूसरा करोड़ों रुपए का उसमें बोलता है ये काफ़ी नहीं है, इसके लिए करोड़ों रुपए का खर्चा होता है। तो वो किधर से आता है, पब्लिक फंड से आता है ना, हमारा टैक्स का ना। ताई कितने सालों से वो शमशान भूमि बंद है और कौन है एमएलए जो उन्होंने फंड पास किया? तो शमशान अक्टूबर से बंद है, 2023 नियरली एक बरस से बंद है। अभी असेंबली में बोला सुनील राणे बोरीवली के एमएलए ने, काम चालू किया सुनील राणे बोरीवली में, तो मगर मैं बोलती हूँ हम लोग हिंदू है, हिंदू में एक कल्चर होता है, जन्म से लेकर मरण तक कुछ हमारा संस्कृति से कुछ करते हैं,
कुछ चालू है उस बचपन से, बच्चे लोगों से, बाद में बड़े होते हैं, मुंजी बनाते हैं, शादी, सभी हमारा हिंदू कल्चर है, वो छोड़कर हम लोगों ने इलेक्ट्रिका इसमें करना चाहिए? हमारा पूर्वजों ने बनाया स्मशान भूमि में, मरने के बाद में क्या क्या प्रोसीजर करता है, क्या करता है और 12वीं तक क्या क्या करता है, ये सभी हमको लिखा गया है हिंदू संस्कृति में। क्या हम लोग हिंदू नहीं है? गंगा का की? क्या लगता है कि ये संतान भूमि बन के हिंदू सभ्यता को नष्ट करने की तैयारी चल रही है? तो ये वो चालू करने का तैयारी मुझे मालूम है, तो हम इतना ही बोलते हैं एटलीस्ट 4 में से एक चालू करो तो हमको तसल्ली मिलेगा कि हम लोग हिंदू में हिंदू संस्कृति से ही करेंगे। हम लोगों को बीएमसी हेल्प करेंगे, बीएमसी का बीएमसी अपना बात रखेंगे, एमएलए साहब अपना बात रखेंगे। इसके लिए हम लोगों ने ये उनसे उनको बताने के लिए एक ही तरीका सोचा, नहीं तो नहीं करता है करके कैसा भरोसा। अभी प्रशासन से आपने क्या मांगी? अभी प्रशासन में हमको एटलीस्ट एक चालू करके दे। दूसरा बात, दूसरा अभी अभी मालूम पड़ा बोरई में भी स्मशान भूमि नहीं है, गोरई में भी स्मशान भूमि नहीं है, उसको भी चाहिए। वो लोग क्या करते हैं, गोरई विलेज से आते हैं और वो स्मशान भूमि में, स्मशान भूमि भी नहीं है, वो समुद्र का किनारे में आकर लाश रखते हैं। अगर भर्ती होएगा गांव में कैसा वापस ले जाएंगे, उधर ही रखते हैं। बाद में उसका लो टाइड में जब वेट करते हैं तभी उनका बारे में उसको जलाता है। हाँ, जरा ये भी सुधारना पड़ेगा ना।